राज्यसभा की 15 सीटों पर वोटों की गिनती खत्म हो चुकी है। 3 राज्य उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में मतदान हुआ था। राज्यसभा चुनाव के परिणाम सबके सामने आ चुके हैं। परिणामों की बात करें तो उत्तर प्रदेश से राज्यसभा की 10, हिमाचल प्रदेश की 1, कर्नाटक की 4 सीटों के लिए मतदान हुआ था, जिसमें उत्तर प्रदेश में बीजेपी के 8 प्रत्याशियों की जीत हुई। वही कर्नाटक में कांग्रेस ने जीत अपने नाम दर्ज की है। बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो बीजेपी की जीत हुई। आपको बता दें कि पार्टी लाइन से हटकर कांग्रेस के 6 विधायक ने बीजेपी प्रत्याशी हर्ष महाजन के पक्ष में क्रॉस वोटिंग कर दी, जिसके चलते कांग्रेस प्रत्याशी अभिषेक मनु सिंह भी हार गए। वहीं यूपी में करीब 10 विधायकों द्वारा क्रॉस वोटिंग की बात सामने आई है। वही परिणाम से पहले ही यूपी में सपा के चीफ व्हिप और विधायक मनोज कुमार पांडे ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। जानकारी सामने आई कि यूपी में सपा के 7 विधायकों ने एनडीए को वोट दिया है। जनता दरबार न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही।